कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे होंगे। क्या आप सब लोग अपने बालों में डाई यूज़ करते हैं बालों को काला करने के लिए? अगर मैं कहूँ कि बिना डाई के आप आपके बाल एकदम काले हो सकते हैं, वो भी जड़ से, तो क्या मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। चलिए डेमो ही दे देते हैं, हर बात पर डेमो देना पड़ता है। चलिए, ये वीडियो वैसे बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी, आज मैंने ये पूरी की है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारे झंझट नहीं करने होंगे, सिर्फ एक रात का इंतज़ार करना होगा। एक रात का इंतज़ार आपकी इस हेयर की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे बनाना कैसे है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जया की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए साथ ही, और जितनी भी वीडियो हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन जहर देसी मिल जाएगी। सो ऐसे ही होता है भाई, सच में ऐसे ही होता है यार। सो इस तरीके से आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही अपनी लाइफ स्टाइल में केमिकल से दूर हट सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है, प्लीज़ भाई कर लो, कहाँ लेके जाओगे एक सब्सक्राइबर को, कर लो यार। सो इसके लिए हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई। आप इस कढ़ाई की हालत देख लीजिए, कितनी महान हो रही है। सो ये लोहे की कढ़ाई है और लोहे की कढ़ाई में अक्सर जंग लग जाती है, जो लोग इसे यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा। और ये लोहे की कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मेरे हस्बैंड का जन्म भी नहीं हुआ था, ये उससे ज़्यादा पुरानी है। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 नींबू, नेहा मेहंदी, मैं हमेशा नेहा हर्बल मेहंदी का ही यूज़ करती हूँ अपने बालों में। और इन 4 नींबुओं का अच्छे से आपको जूस निकाल लेना, अगर आपके पास वो नींबू का रस निकालने वाला मशीन है तो आप उससे कर सकते हैं, तो आप उससे निकाल सकते हैं। मेरे पास भी वो है मगर मैं यहाँ पे लाना, कैमरे के सामने लाना उसे भूल गई और दोबारा जाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं हूँ एक आलसी प्राणी। लेकिन आपको अगर अपने बालों को अच्छे से रखना है हमेशा के लिए तो आप ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी। और एक और रिक्वेस्टेड वीडियो है, हर्बल शैम्पू हम घर पे कैसे बनाएं, तो वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने बना के रख रखा है, मैं वही यूज़ करती हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि अभी वो सामान यहाँ पर मिल नहीं रहा है क्योंकि पूरा बुलंदशहर लॉकडाउन में फंस गया है, क्योंकि बुलंदशहर में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और इसलिए पूरी मार्केट वगैरह सब कर रखा है। और आपको 4 नींबू का जो रस है वो समथिंग 1 कटोरी हो जाना चाहिए, इतना होना चाहिए। मेरे नींबू ठीक ठाक थे और इनमें जो रस निकला था वो भी बढ़िया ही निकला था, बेहतरीन एकदम। और ये जो बीज हैं ये आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो छान सकते हो। अगर थोड़ी सी आपको बीजों से प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही रहने दूंगी, एक आध निकाल लूँगी, क्या हो गया। इतना तो कर ही सकती हूँ। सो इस तरीके से आपको ये जूस निकाल लेना है। इसमें सबसे मेन पार्ट क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि इसमें क्या है सबसे मेन पार्ट। अब ये जूस हमारा निकल गया है, अब हम पूरी मेहंदी यूज़ कर लेंगे। ये 250 ग्राम का पैकेट था और इतनी मेरे बालों में लग जाती है, और 250-300 ग्राम का ही था, ज़्यादा नहीं था, पता नहीं 500 ग्राम का था क्या, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने का था और मैंने देखा भी नहीं। तो मेरे बालों के लिए, बालों के लायक मैंने निकाल ली है, इसमें से पूरी मेहंदी को खला लिया था। पहले मैंने थोड़ी सी 1-2 चम्मच मेहंदी इसमें से मैंने निकाल ली थी, मुझे किसी चीज़ के लिए चाहिए रही थी पूजा वगैरह में, तो वो निकाल ली थी, तब ये फट गया था। तो बस ये पैकेट था और ये पता नहीं, मुझे याद नहीं है कितने ग्राम तक, 250 ग्राम का तो नहीं होगा, ये पूरा 500 ग्राम वाला होगा। तो अभी पूरी जितनी भी आपके बालों में आपको ज़रूरत है उतनी मेहंदी लीजिए, और 2-3 बड़े चम्मच आपको इसमें डालना है ऑलिव ऑयल, ऑयल यस। इसमें ना आपको अंडा डालने की ज़रूरत है, ना आपको प्याज का रस डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको ये घोटा घाटी करने की ज़रूरत है। जब भी हम कोई भी ऐसी मेहंदी वगैरह को भूनते हैं वो बहुत ही गलत होती है हमारे बालों के लिए। हमारे बालों के लिए ऐसी ये पाउडर हो गया, सीकाकाई पाउडर हो गया, ये आंवला पाउडर हो गया या मेहंदी हो गई, इनको हमें भूनना नहीं चाहिए, इनको हमें एज इट इज़ अच्छे से लोहे की कढ़ाई में ऑयल डाल के या कुछ भी ऐसा जिससे वो अच्छे से फिट जाए, ऐसे हमें यूज़ करना चाहिए। भून के उनकी जितनी भी सारी अच्छी गुडनेस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, उनकी विटामिन्स ख़त्म हो जाती हैं उनकी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो भून लेते हैं चीज़ों को,
सो वो बहुत ही गलत होती है, क्योंकि उसकी जितनी भी विटामिन्स होती हैं वो पूरी तरीके से मिल जाती हैं, मतलब मर जाती हैं। तो ये चीज़ होती है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो ही ऐसा करें, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, एक दो बाल ही सफ़ेद है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। मैं आपके साथ एक कलौंजी ऑयल शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे लगाएं। कितने भी सफ़ेद बाल हों, कितने भी पुराने से पुराने बाल हों, उससे सडनली गायब होने लगते हैं। सिर्फ एक महीना यूज़ करके देखिए, और उसके उसके साथ साथ आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है। मैं उस वीडियो में भी मैंने बताया था, अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि उस पर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो हाँ, मैं उसे अपने बेबी के लिए भी यूज़ करती हूँ, मैं जिवांशी के बालों में भी उसे यूज़ करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे यूज़ करने से, और साथ ही मैं भी यूज़ करती हूँ। सो आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने 6 महीने में अपने बालों में कितना अंतर दिखाया है। समथिंग 10 से 12 इंच मुझे मिला है, मेरे बाल लंबे हुए हैं। मेरे बाल पहले सिर्फ कंधों तक थे, अभी काफ़ी नीचे तक मेरी चोटी आती है, तो इतना आपको फ़र्क मिल जाता है। सो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पूरी रात के लिए अच्छे से जब आप इसे छोड़ देंगे, पूरी रात आपको ऐसे घुली हुई छोड़ देनी है ढक के, तो ये ऐसे काली काली सी ये हो जाएगी। ये आपकी एक नेचुरल डाई बन के एकदम तैयार हो गई है, आपके बालों में बहुत अच्छा वर्क करती है, आपके बालों को स्मूथ बनाती है, रीग्रोथ करने में हेल्प करती है। और इसमें हमने डाला था ऑलिव ऑयल, जो कि हमारे बालों को नरिशिंग करेगा, हमारी रीग्रोथ में हेल्प करेगा, हमारे बालों को झड़ने से रोकेगा। साथ ही हमने इसमें यूज़ किया था लेमन का, जिसमें विटामिन सी होता है, और साथ ही वो एंटी फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, डेंड्रफ्स नहीं आने देता है। और हमने इसमें डाला था मेहंदी, और मेहंदी हमारे बालों में साइन लाती है, नेचुरल कलर लाती है, साथ ही हमारे स्कैल्प में से अच्छे अच्छे हेयर्स को, जो हमारी डेड स्किन होती है उसे रिमूव करने में हेल्प करती है, और हमारे हेयर्स को अच्छे से उगाने में भी हेल्प करती है। सो आप लगाओगे इसे तो ये कुछ ऐसी दिखने लगेगी, लगाने के तुरंत बाद ये एकदम ग्रीन नहीं रहेगी, ये ब्लैक हो जाएगी लगाने के सडनली। तो ये देखिए, इतनी अच्छी मेहंदी मैंने यहाँ पे आपको बताई है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है जया की दुनिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो।